Assalamualaikum, this is Bhaiya Hussain। तो आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड सी थी मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से हम सब ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट गेन करा है। इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से प्रॉफिट गेन करेंगे। आज के दिन भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से एरिया से बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं और एक ईजी ट्रेड्स लेके एक अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग आती है या नहीं आती, मेरी वीडियोस इतनी आसान होती हैं कि जिसको ट्रेडिंग आती है वो भी प्रॉफिट करता है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो भी प्रॉफिट करता है। हर एक बंदा प्रॉफिट करता है अल्लाह पाक के एहसान से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बढ़ाइयां नहीं मार रहा, मैं सिर्फ वो एरियाज बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा जिन चीजों पे जैसा मैंने बोला था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। 100% नहीं, 200% मार्केट एग्जैक्ट वैसी मूव हुई। चले शुरू करते हैं। तो ये देखें, डोंट मिस दिस ट्रेड, सही है, ये मैंने वीडियो पे प्रॉपर ही शुरू में लिख दिया था। अच्छा जी, हम ये दो दिन पुरानी वीडियो है, सही है, अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ, एरियाज बताता हूँ। अच्छा जी, ये गौर से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। और अभी की मार्केट भी दिखाता हूँ और आने वाली आज की ट्रेड बताऊंगा आपको। स्नाइपर एंट्री चाहिए उसके लिए 1903 से लेके 1900 तक के एरिया से। अब सुनिएगा, 1903 से लेके 1900 तक का एरिया है। इस एरिया में कोई कैंडल फॉर्मेशन आपको मिले, कोई आपको इंडिकेशन मिले, आपने वहां पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, सही है। उसके बाद बुलिश ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लेंगे और फिर आपको ग्रेट प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, इसका मैं अगर इसका उल्टा हो गया, मैंने आपको इसका रिवर्स भी बताया था, किसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ मैंने आपको ट्रेड दी। अभी चलते हैं मार्केट पे। तब मार्केट यहाँ पे थी कितने पे, 1915-1912 समथिंग पे थी मार्केट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या, प्राइस का पूरा मुंह बताऊंगा। उस टाइम मार्केट थी यहाँ पे 1915 के इस एरिया पे थी, सही है, 12-15 के इस एरिया पे थी। मैंने बोला था आपको प्रॉपर जबरदस्त बाइंग कहां से मिलेगी, 1900 से लेके 1903 के दरमियान से आप बाइंग करेंगे जो आपको बहुत प्रॉफिट देगी। एग्जैक्ट मार्केट आई, सही है, अगले दिन, सही है, 19 जनवरी की बात है ये, कल के दिन की बात है ये, सही है। आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे आप देखें यहाँ पे टाइम, सही है, यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने टाइम आ रहा है, सही है। तो 19 जनवरी को आपको यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस ने मूव दिया हमें। और अब आप मूव देखें, प्राइस का मूव नॉन स्टॉप, 10 पिप भी, 5 पिप भी, 1 पिप भी नेगेटिव नहीं गई आपकी ट्रेड और सिर्फ पॉजिटिव गई। $37 गोल्ड बुलिश चले गया, सही है। तो तकरीबन 370 पिप की ट्रेड थी, अगर आप टोटल आज तक अगर आपने होल्ड करी होगी तो तकरीबन 260 पिप की ट्रेड आपकी चल रही होगी। बहुत जबरदस्त ट्रेड आपको ये मिली थी और ट्रेंड मैंने आप लोगों को सबको बताया था, ट्रेंड बुलिश है, गोल्ड को सिर्फ बुलिश देखें। एरियाज में आपको बता रहा हूं लेकिन गोल्ड को सिर्फ बुलिश देखें, बेयरिश नहीं देखें। अगेंस्ट द ट्रेंड कम कमाएंगे और ट्रेंड में बैठेंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट में कि मार्केट में अब हमें कहां से ट्रेड मिल सकती है। सबसे पहले हम मार्केट का देखेंगे D1 का चार्ट। D1 के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे अपना 3 ब्लैक क्रोस बने हैं तो बुलिश की एक बड़ी कैंडल है और इंडिकेशन दे दी कि बुलिश ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग रहेगा और बाइंग जाएगी D1 के हिसाब से। फिर हम आते हैं H4 में। H4 में हमें क्या सिनेरियो मिल रहा है, H4 में हमें सिनेरियो यहाँ पे गोल्ड का, कौन सा एरिया है गोल्ड का, एक दफा तो गोल्ड की टेस्टिंग हो गई है, एक दफा गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो हाई था वो टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी जो कैंडल्स गोल्ड दिखा रहा है उसके हिसाब से गोल्ड ने जो एरिया टेस्ट करना है दोबारा करना है 1916 से 1918 का, वहां से गोल्ड दोबारा बुलिश हो सकता है। अब इस एरिया में गोल्ड क्या करेगा, ये बहुत ही बेहतरीन एरिया है। इस एरिया में गोल्ड 1918-1916 से भी उठ सकता है और प्राइस जो है 1900 पे भी आ सकती है। हमारे पास एग्जैक्ट एरिया जो था वो था हमारे पास 1900 का, जिसको हम सब ने बहुत अच्छे से कैश किया है। अभी मार्केट की डायनामिक्स देखते हो, मार्केट ऑल टाइम मतलब करंट अभी हाई पे है, तो अभी प्राइस क्या करेगी, अभी प्राइस इस एरिया में आज का दिन रेंज भी कर सकती है। न्यूज़ देखते हैं हम कि न्यूज़ हमें क्या मिल रही है, ये जो तरीका मैं आपको अभी दिखा रहा हूं मार्केट में इसी तरीके से आपने ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा जी, आज के दिन में डॉलर की जो न्यूज़ है वो 8 बजे और 11 बजे के टाइम है, तो मार्केट को इतना खास मजेदार मूव नहीं देगी, तो आज के दिन में थोड़ा ट्रेड ना भी करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वैसे मैं फ्राइडे को बोलता हूँ फ्राइडे को कम से कम ट्रेड करें, इट्स बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, तो हम आते हैं डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स को भी देखते हैं कि इसने क्या मूव दिया, क्या सिनेरियो बना रहे डॉलर इंडेक्स। अच्छा जी, $
डॉलर इंडेक्स ने जो सिनेरियो बनाया है, डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो कोई आपको खास मूव नहीं देगा जब तक वो इन दो एरियाज को ब्रेक नहीं करता, 101.525 और 102.665, सही है, 102.6245, सही है, ये रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया है 101.525। तो ये दो एरियाज हैं, इन दो एरियाज को जब गोल्ड ये डॉलर ब्रेक करेगा, अगर डॉलर अपसाइड ब्रेक करेगा तो गोल्ड बेयरिश मूव देगा, अगर डॉलर इस एरिया को डाउनसाइड मूव देगा तो गोल्ड मजीद और बुलिश मूव देगा। गोल्ड को मजीद जाना है 1960 तक, उसके बाद गोल्ड प्रॉपर बेयरिश सेंटीमेंट बनाएगा। एरियाज मैंने मार्क करे हैं, वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि मार्केट अब कहां जाएगी। तो ये बहुत आसान ट्रेड्स हैं आप लोगों के लिए। और अभी H4 का सिनेरियो देख लो, H4 हमें यहां पे कंफ्यूज कर रहा है, इनवर्टेड हैमर देखे और करंट कैंडल दिखा के, लेकिन हम H4 को नहीं देखेंगे और H1 को देखते हैं हम। तो H1 भी जो है हमें सिनेरियो ऐसा दिखा रहा है कि प्राइस यहां पे कंसोलिडेट रेंज करेगी, तो इस एरिया पे बाय सेल करना दोनों बेवकूफी है। किसी सही एरिया पे आए प्राइस, जस्ट लाइक 1916 पे प्राइस आए, तो वहां से आप बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थी आज के आप लोगों के लिए ट्रेड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रेड और सारी चीजें बहुत पसंद आई होंगी, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा करें। मैं प्रीवियस वीडियोस का रिजल्ट देख रहा हूँ, अलहमदुल्ला बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से अपनी मोहब्बत रखें, भाई को प्यार दें, भाई आपको ट्रेड देगा। बाकी अपना अपने ख्याल रखें।